हाय स्टूडेंट्स, हाय हेलो एवरीवन। हाय एवरीवन, सो दैट्स मी डॉक्टर सोनल परिहार अगेन, आपकी ऑब्स एंड गायनी ट्यूटर। और आज हम एक इंट्रोडक्शन करने वाले हैं इंटरनल जेनिटेलिया का। तो जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी न्यू ऑब्स एंड गायनी ट्यूटर हूँ ऑन द अन अकेडमी ऐप, राइट? यस, सो आई एम देयर ऑन द अन अकेडमी ऐप नाउ। आई हैव जस्ट ज्वाइंड द अन अकेडमी ऐप और मैं एक यूट्यूबर हूँ। मेरे बारे में जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बता दूँ कि मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 22 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा खुद का हॉस्पिटल है जोधपुर, सोना मेडियम नाम से, जोधपुर राजस्थान में। मेरी डिग्रीज MBBS MD फ्रॉम BHU वाराणसी एंड MRCOG फ्रॉम UK। और मैं एक एंडोस्कोपिक सर्जन हूँ, ट्रेंड कॉल्पोस्कोपिस्ट हूँ, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट भी हूँ, गायनेकोलॉजी ट्यूटर हूँ बिकॉज मैं पिछले 3.5 साल से यूट्यूब चैनल्स चला रही हूँ। दो चैनल है मेरे, और साथ ही में मैं आयुर्वेदिक कॉलेज में भी गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स पढ़ाती थी, ठीक है, ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। तो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा है, मोर देन 20 ईयर्स। इवन UK में मैंने काफ़ी क्लासेस ली हैं जूनियर्स की। तो अब आते हैं नीट PG के बारे में। जो बच्चे नीट PG में अपेयर कर रहे हैं अभी 21 मई को, उनके लिए अलग अलग कैलेंडर्स बने हैं। अन अकेडमी ने अलग अलग कैलेंडर्स बनाए हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, 13 मार्च से 19 मार्च का जो वीक था उसमें कितने सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज निकली थी, अलग अलग क्वेश्चनेयर्स निकले थे, मिक्स बैक क्वेश्चनेयर्स थे। इसी तरह से हर वीक ये आपके पास ऑफर्स आते रहेंगे। तो बच्चों, अगर आपको सब्सक्राइब करना है, पहली बात तो होता है कि भाई आपको फ्री में जो यूट्यूब पर जो नॉलेज मिल रही है वो थोड़ी बहुत रहती है। इनकी अन अकेडमी के ऐप को अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको मेरा कोड डालना होगा, डॉक्टर सोनल, DRSONAL, ठीक है। ये मैं अभी आपको बताऊंगी, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। तो इसमें अगर आप कैपिटल में डॉक्टर सोनल टाइप करेंगे तो आप फ्री क्लासेस तो एक्सेस कर ही पाएंगे। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, दो तरीके इनके सब्सक्रिप्शन है, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस में आपको सारे टीचर्स, जितने भी ट्यूटर्स हैं, उनके नोट्स मिलेंगे। आप कहीं भी बैठे किसी भी मोबाइल पे, किसी भी अपनी आईपैड पे, टैबलेट पे इसको आप सुन सकते हो। ऐसा नहीं कि एंड्रॉयड फ़ोन ही चाहिए या आईफोन ही चाहिए। मोरओवर सारे ट्यूटर्स के लेक्चर्स, सारे ट्यूटर्स के नोट्स, इंक्लूडिंग ऑल द MCQs जो अनअकैडमी खुद बनाते हैं, प्लस जो ट्यूटर्स बनाते हैं, सब आपके पास एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है। 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, डॉक्टर सोनल, DRSONAL, ठीक है। अब आते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी जैसे वो आपका प्लस सब्सक्रिप्शन है, वैसे आइकॉनिक है। पर इसमें फायदा क्या है, आइकॉनिक में आपको प्री पैडलर भी साथ में मिल रहा है। तो प्री पैडलर जब आप लेंगे तो प्री पैडलर को आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्री पैडलर आपको इनके साथ, आइकॉनिक के साथ मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे। मेरा कोड है DRSO, नाउ दैट्स अ बिट डिफिकल्ट टू राइट विद दिस पेन, बट आई एम जस्ट ट्राइंग, DRSONAL, ठीक है। ये कैपिटल में लिखना है विदाउट एनी गैप। नेक्स्ट स्लाइड में शायद मैंने उसको लिखा हुआ है, लेट मी जस्ट शो यू। तो ये अगर आप यूज करेंगे मेरा कोड तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसको अवेल करिए बच्चों, क्योंकि आपके लिए ही बनाया गया है। पूरी टीम बहुत मेहनत करती है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज लेकर आती है। कंबाइंड ट्यूटर्स के कोर्सेज होते हैं, कंबाइंड MCQs होते हैं। सारे ट्यूटर्स सुबह से लेकर रात तक आपके लिए मेहनत करते हैं। आप इसको यूज करिए जिससे आप एक बार में अच्छे नंबर से पास हो सके, अच्छा कॉलेज मिल सके, अच्छी रैंक आ सके, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशन टू अवर टॉपर्स फ्रॉम द FMGE बैच जो 2021 दिसंबर में हुआ था। इन लोगों ने अन अकेडमी को यूज़ किया, क्योंकि FMGE को भी हम कवर करते हैं, नीट को भी हम कवर करते हैं। यू नो अन अकेडमी कवर्स ऑलमोस्ट एवरी एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है ना। स्पेशल क्लासेस के फीचर्स क्या है, स्पेशल क्लासेस में आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं। जो स्पेशल क्लासेस मैं भी ले रही हूँ आजकल, मैंने अभी कुछ दिनों से स्टार्ट किया है। इसमें आपकी पहली बात तो फ्री एंट्री है, आपको सिर्फ कोड डालना है डॉक्टर सोनल, ठीक है, ऐप को डाउनलोड करना है। अब इसमें इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हैं क्योंकि वहाँ पर इंटरेक्शन के लिए बटन्स हैं। आप टाइप करके अपना मैसेज लिख सकते हो, आप अपने हैंड रेज कर सकते हो, जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगी आप मेरे से वॉइस से बात कर सकते हो, मेरे को आप देख सकते हो और आपकी वॉइस आएगी मेरे पास, ठीक है। दैट इज अ प्रॉपर इंटरेक्शन। देन पॉलिंग सेशंस होते हैं, अगर मैंने कोई MCQ डाला है तो उसमें पॉलिंग सेशन रहता है। मैं आपको 15 सेकेंड या 20 सेकेंड का टाइम दूंगी, यू कैन पुट योर आंसर। फिर उसमें नीचे एक चार्ट आती है, किसने सबसे अच्छा आंसर दिया, किसने सबसे सही आंसर दिया, कौन ऊपर है, कौन टॉप कर रहा है। तो दिस इज जस्ट सेल्फ असेसमेंट एंड
मतलब आपके पास अगर आप बेल रिंग कर दोगे, जैसे आप देख रहे हैं बेल वाला आइकॉन भी है, तो अगर आप बेल रिंग कर देंगे तो आपके पास ये भी आ जाएगा, नेवर मिस अ क्लास, आप कभी भी कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे, ठीक है। लेक्चर्स के नोट्स आप ले सकते हैं, नोट्स लेने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको अगर आप पे करेंगे इसके लिए तो फिर आपको ये नोट्स सारे मिल जाएंगे, एनी टाइम एनी वेयर आप ये क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मेरी दो स्पेशल क्लासेज हैं, 5:30 बजे और 7:30 बजे, एक एक घंटे की क्लास है, आप नहीं अवेलेबल हुए आप बाद में देख लो, आप उस पर क्लिक करके बाद में देख लो, वो रहेगी ऐप पे, ठीक है। देन दो मैराथन बैचेस बन रहे हैं, एक नीट पीजी के लिए और एक FMGE 2022 के लिए। तो क्योंकि नीट पीजी 21 मई को है, तो 23 मार्च यानी कि कल से ये स्टार्ट हो रहा है बैच, और ये मई तक चलेगा, 2 महीने तक, जिसमें सारे ट्यूटर्स जो कि टीम नीट पीजी कवर करवा रहे हैं उन सबका आप फोटो देख सकते हैं। ये सब लोग आपको हेल्प करेंगे नीट पीजी को क्लियर करने के लिए, इनके कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, ग्रैंड एमसीक्यू टेस्ट होंगे, खूब सारे तरह तरह के आपके क्वेश्चन, तरह तरह के टेस्ट सीरीज होंगी, ठीक है। तो इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, इसको खरीदेंगे तो अभी पैकेजेस भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। FMGE बैच के लिए भी सेम 23 मार्च से 23 मई तक 2 महीने का बैच है, सारे ट्यूटर्स जो इसको कवर कर रहे हैं FMGE को, वो आपके पास आप सब कुछ अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब आते हैं जो लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन है इसका, आप देख सकते हैं ये कोड मेरा डॉक्टर सोनल, ये मेरा कोड है, अगर आप इसको यूज करेंगे और प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो फिलहाल 2 मंथ्स का जो प्लस है दैट इज 7650, 7650 उन लोगों के लिए है जिनका नीट अभी आने वाला है, नीट पीजी 21 मई को। अगर आप लगता है नहीं मेरे पास टाइम है अभी, मैं 1 साल 2 साल है मेरे नीट पीजी में, तो फिर आप बड़े वाले पैकेजेस ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, आइकॉनिक भी ले सकते हैं। आइकॉनिक आप देख रहे हैं 24, 36, 48 मंथ्स तक है ना, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। अगर आपका 1 साल का है तो आप 12 मंथ्स का ले लीजिए, दैट इज अ गुड पैकेज। आप देख सकते हैं प्लस में क्या रेट है और आइकॉनिक में क्या रेट है। तो आइकॉनिक में क्योंकि आपके पास अभी टाइम है तो आप बड़ा पैकेज भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा मटेरियल होगा पढ़ने के लिए एंड यू नीड टाइम, ठीक है। कुछ लाइट सब्सक्रिप्शंस भी हैं, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। तो आप एक बार अनअकैडमी को डाउनलोड करेंगे, इनके टीम से बात करेंगे, तो यू विल कम टू नो दिस, ओके गाइस। तो ये तो हो गया अनअकैडमी के बारे में। आज का लेक्चर एक शॉर्ट मैंने सेशन रखा है आधे घंटे का, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बेसिकली असेस योर सेल्फ कि आपको कितना आता है। अब ये क्या है, इसमें बेसिकली आपको ब्लैडर दिख रहा है, आपको यूरेथ्रा दिख रहा है, आपको यूट्रस सर्विक्स एंड वजाइना दिख रहा है, बट इसमें मेन चीज़ जो दिख रही है वो है इसके एंगल्स। आप ये एंगल्स देख सकते हैं, ये जो एंगल्स हैं, ये जो लाइंस जा रही जो एक्सिस से जा रही हैं, तो ये जो एक्सिस है ये बेसिकली आपको बताता है कि एंटी वर्जन क्या होता है और रेट्रो वर्जन क्या होता है। अब ये देखो ये वाला जो एंगल है दैट इज द एंटी फ्लेक्शन एंगल, बिकॉज ये एंगल बन रहा है यूट्रस और सर्विक्स के बीच में, और ये जो बन रहा है यूट्रस की बॉडी और वजाइना के बीच में, दैट इज एंटी वर्जन। तो वर्जन एंटी तब होगा जब वो ब्लैडर पे होगा, रेट्रो तब होगा जब वो पीछे की तरफ पॉइंटेड होगा। तो ये सब आज हम 5:30 बजे की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास 5:30 बजे यूट्रस सर्विक्स फैलोपियन ट्यूब और ओवरी पे है, यानी कि फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया, उनकी एनाटॉमी, ब्लड सप्लाई एंड ऑफकोर्स द हिस्टोलॉजी। कल हमने जो पढ़ा था स्पेशल क्लास में दैट वाज एक्सटर्नल जेनिटेलिया अलोंग विद उनके हिस्टोलॉजी, और पूरे पूरे इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया के हमने बेसिक आर्टीरियल स्ट्रक्चर, कौन सी आर्टरीज कहाँ से आती हैं, वीनस सप्लाई, प्लेक्सिसेस, लिम्फैटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई कल हम कवर कर चुके हैं। बच्चों अगर आपने मिस कर दिया है कल की क्लास देखो, कल 2 क्लास हुई थी, 5:30 से 6:30, 7:30 से 8:30, 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हो। फटाफट उसको सुनो, पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते कुछ और भी काम कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने पढ़ा हुआ है आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुननी है, आवाज़ सुनने से आपको पता चल जाएगा हाँ ये मुझे याद है, याद याद है, फिर कोई पॉइंट लगे अरे नहीं ये नहीं याद है, वापस उसको रिवाइंड करके सुन लो, बिकॉज दे आर देयर ऑन द ऐप, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले कल के लेक्चर का कंटिन्यूएशन है, आज का जो पहला लेक्चर है दैट इज ओनली कवरिंग यूट्रस सर्विक्स फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी, सो दैट विल बी कवर्ड इन 1 आवर, क्योंकि उसकी हम ऑलरेडी ब्लड सप्लाई कल पढ़ चुके हैं, उसको जस्ट रिकैपिटुलेट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो 7:30 बजे होगा उसमें हम कल का लेफ्ट ओवर अदर पेल्विक ऑर्गन्स, अदर पेल्विक ऑर्गन्स में आता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, पेल्विक यूरेटर जो कि बहुत ज़्यादा इंजरी के चांसेस होते हैं यूरेटर में, और पीछे की तरफ रेक्टम एंड इनल कनाल। तो कल हमने ब्लैडर और यूरेथ्रा पढ़ लिया था, बट आज हम उसका कंटिन्यूएशन पढ़ेंगे पेल्विक यूरेटर और हम पढ़ेंगे रेक्टम एंड इनल कनाल। साथ में हम इनके मिक्स्ड बैग एमसीक्यूज लेंगे, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटेरिया के जो क्वेश्चन हमने एमसीक्यूज मैंने आपके लिए बनाए हैं उसको हम कवर करेंगे। ये 2 क्लासेस मैंने आपको बता दी, मिस नहीं करनी है, 5:30 से 6:30, आधा घंटा रह गया, और 7:30 से 8:30, ठीक है ना। डेक्स्ट्रो वर्जन क्या होता है, ये तो हो गया एंटी वर्जन एंड रेट्रो वर्जन, एक होता है डेक्स्ट्रो वर्जन, डेक्स्ट्रो यानी कि राइट साइड। तो डेक्स्ट्रो वर्जन का मतलब ये होता है कि चांसेस ऑफ डैमेजिंग द लेफ्ट, ना डेक्स्ट्रो वर्जन यानी कि राइट साइड में यूट्रस डेविएटर रहता है,
जब ये राइट साइड में डेविएटेड रहता है तो फिर इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोवर्जन। और इसका क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, जब यूट्रस राइट साइड में डेविएटेड होगा तो उसके नीचे जो उसका माउथ है वो लेफ्ट साइड में डेविएटेड होगा, तो लेफ्ट साइड का जो सर्विक्स है वो विजाइनल फोर्निक्स के बिल्कुल लैटरल विजाइनल फोर्निक्स के पास आ जाएगा और यूरेटर के पास आ जाएगा। तो वैसे भी चांसेस ऑफ डैमेजिंग द यूरेटर ड्यूरिंग हिस्टरेक्टोमी, जब आप इंटरनल ऑस एक्सटर्नल ऑस या के लैटरल फोर्निक्स पे क्लैंप लगाते हो, उस समय जब आप क्लैंप लगाते हो तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इसको डैमेज करने की। तो लेफ्ट साइड ऑफ यूरेटर के चांसेस ऑफ गेटिंग डैमेज आर मोर एज कम्पेयर टू द राइट साइड बिकॉज ऑफ डेक्स्ट्रोवर्जन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मोर ओवर प्रेग्नेंट लेडीज में डेक्स्ट्रोवर्जन की वजह से बहुत ज्यादा कंप्रेशन होता है ब्लड वेसल्स का, इन्फीरियर वेना कावा पे होता है कंप्रेशन, जिस वजह से पीडल एडिमा पैरों में सूजन आती है, तो पेशेंट को हमेशा लेफ्ट लैटरल लेट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू दिस डायग्राम, इस डायग्राम में आपको क्या समझ में आ रहा है, लेट मी सी अगर कोई चैट्स हैं तो लेट मी सी इफ एनीबडी इज वॉचिंग। येस, मैनी पीपल आर वॉचिंग, सो डू यू हैव एनीथिंग टू आस्क, प्लीज डॉक्टर आई रिक्वेस्ट यू टू एक्सप्लेन द लेक्चर इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके डॉक्टर राक्समो, वॉट आई विल डू इज वंस आई मेक अ टेलीग्राम चैनल, बच्चों मैं अपने टेलीग्राम चैनल का इसमें लिख रही हूँ वॉट इज माई आई डी, सो वंस यू कम ऑन दैट चैनल वॉट वी विल डू इज वी विल मेक अ different group for only English students and a group who wants to learn in Hindi and English both. ठीक है, तो we'll do that. Okay, so don't worry about that. So Dr. Sonal A S Parihar, that is my ID. Okay, somebody asked me yesterday what is your Telegram ID. So that is my Telegram ID. Dr. Sonal A S Parihar, that's my Telegram ID. Just log in into that and send me a request. आई हैव जस्ट लॉग्ड इन टुडे ओनली, मतलब मैंने आज ही आई डी बनाया है, सो आई एग्जैक्टली डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट आई एम श्योर जब आप मेरे को रिक्वेस्ट भेजेंगे या मेरे को फॉलो करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ दैट्स टेलीग्राम, दैट्स टेलीग्राम, दैट्स टेलीग्राम, इट्स नॉट शोइंग मी हाउ टू राइट, ओके, या सो दैट्स माई टेलीग्राम आई डी, आई एम श्योर दिस English request, Dr. Raxmo official channel. You must be, you will be having many apps in which they are teaching only in English. Why I chose English, Hindi plus English, because I have many Ayurvedic students with me, many nursing students with me, even though they do not need so much knowledge in details. But most of the Indian students, they would like to get it explained in Hindi and English both. Okay, so it's very few of them, very few students who will actually want only English. That is why I chose English. But I will definitely solve your problem once you come on the Telegram channel. Okay? Now, so this is a diagram. इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें दिख रहा है कि muscles कैसे interlace करती हैं और कैसे uterus को हम living ligature बोलते हैं. Living ligature क्या होता है? Living ligature यानी कि कोई चीज़ जिंदा है, रस्सी की तरह काम कर रही है, लेकिन वो जिंदा है. ठीक है, वो अपने आप रस्सी की तरह टाइट कर रही है सबको, फिर वापस खोल रही है, तो दैट इज अ लिविंग लाइगेचर। और यही होता, यही कारण है कि ब्लीडिंग के बाद इतना बड़ा यूट्रस जो है वापस से इतना छोटा हो जाता है और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ब्लीडिंग को बंद कर देता है। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं रात में, शाम को। रिलेशन बिटवीन यूट्रस एंड सर्वाइकल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सर्विक्स नॉर्मली डबल होता है यूट्रस के साइज से, तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ वेयर इज माई पेन, दैट इज माई पेन, सो दैट दिस हेयर इज द यूट्राइन कॉर्पस एंड दिस इज द सर्विक्स। ओके, तो आप देख सकते हैं कि सर्विक्स यूट्रस से ऑलमोस्ट डबल है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये प्यूबर्टल है, जब यूट्रस का साइज डबल हो गया या फिर ऑलमोस्ट बराबर हो गया और सर्विक्स छोटा हो गया। ठीक है, और जब ये एडल्ट हो गई, जब ये डिलीवरी के पास आ गई, तो फिर ये जो यूट्रस है दैट इज ऑलमोस्ट 2 to 3 times द सर्विक्स। तो इस तरह से साइज चेंज होता है। सर्विक्स बिगर बिफोर प्यूबर्टी, दैट इज 2:1। एट प्यूबर्टी यूट्रस बिकम्स बिगर, 2:1। देन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में यूट्रस 3 to 4 times हो जाता है। एंड मीनोपॉजल में पूरा पूरा यूट्रस कंप्लीटली एट्रोफिक हो जाता है, तो उसमें भी रेशियो यही रहने वाला है 2:1 या 3:1 का, बट वो पूरी पूरी जो उसकी वो है लेंथ है वो कम हो जाती है। ठीक है, पोर्शियो वेजाइनलिस फ्लैटन हो जाता है, यानी कि ये जो आप पोर्शियो वेजाइनलिस देख रहे हैं, ये लेट मी सी द पेन अगेन, ओके, ये जो पोर्शियो वेजाइनलिस क्या होता है, दैट इज द सर्विक्स दैट कम्स इन द वेजाइना, वो एकदम फ्लैट हो जाएगा, तो जो फॉर्निसेस है वो शैलो रह जाएंगे। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जोन, यानी कि वो एरिया जहाँ पर सबसे ज्यादा मेटाप्लास्टिक सेल्स होते हैं, सबसे ज्यादा मूवमेंट ऑफ माइटोसिस हो रहा है, मेटाप्लेजिया हो रहा है, सेल्स आर कंटिन्यूअली डिवाइडिंग एंड गेटिंग एक्सफोलिएटेड, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन जोन। यहाँ पर सबसे ज्यादा कैंसरस चेंजेस होते हैं, कोई भी सर्वाइकल कैंसर अगर डेवलप होगा पोर्शियो वजाइनलिस में, बाहर वाले एरिया में, दैट विल बी हैपनिंग ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन जोन, डायनेमिक जोन बोलते हैं इसको। ठीक
ठीक है? नो, मेटाप्लेजिया, इन्फेक्शन, डिस्प्लेजिया, इरोजन, हॉर्मोनल चेंजेस, पीएच चेंजेस, सब यही होते हैं. इट इज बेसिकली फिक्टिशियस थिंग. क्या हो रहा है कि जो स्क्वैमो कॉलमनर जंक्शन है, अंदर से कॉलमनर सेल्स बाहर आते हैं, फिर स्क्वैमस सेल्स उसको रिप्लेस कर देते हैं. तो वो जो एरिया जो बार 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 चेंज हो रहा है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन जोन. ठीक है? सो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे. नाउ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट, वेरी गुड. ओके, दैट्स जिनचियन. यस, दैट इज एग्जैक्टली वॉट वी से, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट. ओके, नाउ वॉट आर फैलोपियन ट्यूब्स? दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स. दीज आर 10 to 12 सेंटीमीटर्स इन साइज, दैट इज अराउंड 4 inches. देन सिचुएटेड इन द मीडियल 3/4 ऑफ द अपर फ्री मार्जिन ऑफ द ब्रॉड लिगमेंट. दैट इज अगेन एन एमसीक्यू क्वेश्चन. यू शुड नो कि ये कितना पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब कवर करते हैं. सो दे एक्चुअली कवर, वेर इज माई पेन, सिचुएटेड इन द मीडियल 3/4 ऑफ द अपर फ्री मार्जिन ऑफ द ब्रॉड लिगमेंट. कई बार हम पढ़ते हैं एमसीक्यू में सिचुएटेड इन द मीडियल 3/4. यस, ओके, वी डोंट रीड कि अपर फ्री मार्जिन लिखा है कि लोअर फ्री मार्जिन लिखा है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद एमसीक्यूज. ठीक है? नाउ ईच ट्यूब हैज टू ओपनिंग्स, वी नो दैट. इट इज यूट्राइन ओपनिंग, दैट इज 1 मिलीमीटर इन डायमीटर, एंड पेल्विक और एबडोमिनल ओपनिंग, दैट इज 2 मिलीमीटर. सो क्योंकि यहाँ फिम्रिया आ गया, तो फिम्रिया वाली जो ओपनिंग है, दैट विल बी बिगर ऑब्वियसली. इट विल बी 2 मिलीमीटर्स. और जब हम अंदर यूट्रस की तरफ जाते हैं, दैट विल बी स्मॉल. सो ये वाली ओपनिंग 2 सेंटीमीटर होती है, 2 मिलीमीटर सॉरी, एंड दिस इज जस्ट अबाउट 1 मिलीमीटर. ओके, नाउ इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं? वी नो दैट इज इंट्राम्यूरल है, दैट इज इंटरस्टिशियल, जो कि यूट्रस की वॉल के अंदर है, सबसे पतला पोर्शन होता है वो. फिर आता है इस्थमस, जो कि स्ट्रेट होता है ऑलमोस्ट, और इसकी इसकी कैलिबर ऑलमोस्ट इक्वल रहता है. ये कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं है. इट इज़ अराउंड 2.5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, जो कि इससे डबल है. इसकी डायमीटर 2.5 मिलीमीटर होता है. देन कमिंग टू एम्पुला, देन इन्फंडिबुलम एंड फिम्ब्रिया. ये सब हम आज शाम को पढ़ने वाले हैं. ठीक है? नाउ कमिंग टू द ओवरी. ओवरी में मैंने आपको 2-3 क्लासेस में बता चुकी हूँ कि जब डेवलपमेंट होता है ओवरी का, तो अराउंड 8th वीक इंट्रायूट्राइन लाइफ में ओवरी गोनाड्स डिसाइड कर लेते हैं कि इनको 6th वीक के बाद ये डिसाइड कर लेते हैं कि इनको टेस्टिस बनना है कि ओवरी. 7th वीक में टेस्टिस बननी शुरू हो जाती है, 8th वीक में ओवरी. ओवरी के अंदर कॉर्टेक्स ज़्यादा डेवलप होता है, मेडुला का ज़्यादा रोल नहीं होता. टेस्टिस के अंदर मेडुला ज़्यादा डेवलप होता है, टेस्टिस के अंदर जो कॉर्टेक्स है वो डीजनरेट कर जाता है. तो जो कॉर्टेक्स आप देख सकते हैं, उसमें तरह तरह के फॉलिकल्स दिख रहे हैं आपको. दिस इज अ सेकेंडरी फॉलिकल, दिस इज अ मेच्योर फॉलिकल, दिस इज अगेन अ मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल रेडी फॉर ओवुलेशन. दिस आर प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स. देन दिस वन इज रप्चरिंग, ये ओवुलेशन हो गया, फिर ये कॉर्पस लूटियम बन गया, ये कॉर्पस एल्बिकन्स बन गया. ठीक है? तो ये सब कॉर्टेक्स में हो रहा है, और स्ट्रोमल सेल्स में कुछ नहीं होता. स्ट्रोमल सेल्स जो है, दे आर थिकेंड बीनीथ द जर्माइनल एपिथीलियम, विच इज अ ट्यूनिका एल्बुजीनिया. जो व्हाइट कलर की, व्हाइटिश ग्रेइश जो कवरिंग होती है ओवरी की, दैट इज अ ट्यूनिका एल्बुजीनिया, ऑल्सो नोन एज अ जर्माइनल एपिथीलियम. ठीक है? नाउ ये सब हम आज डिटेल्स में शाम को पढ़ने वाले हैं, जब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी. ओके, नाउ हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था यूरिनरी ब्लैडर, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि हम जब कोई भी सर्जरी करते हैं, कोई भी प्रोसीजर होता है, तो बेसिकली यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर पे काफ़ी ज़्यादा इंजरी के चांसेस रहते हैं, और इनके एनाटॉमी और यूट्रस की एनाटॉमी साथ साथ रहती है. कितनी बार प्रेग्नेंट लेडीज में बिकॉज ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, क्योंकि ब्लैडर पुल हो जाता है, यूरेथ्रोवेसाइकल एंगल जो है वो ऑल्टर हो जाता है, या फिर कभी कभी फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन बढ़ जाता है बिकॉज यूट्रस उस पर आके बैठ जाता है. इन्फेक्शन जो यूरेथ्रा में होते हैं विजाना में आ जाते हैं, विजाना के इन्फेक्शन यूरेथ्रा में आ जाते हैं. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट दैम. ठीक है? नॉट दिस इज एन ओवॉइड शेप, इसको काटा हुआ है ब्लैडर को बीच में से, आपको दिख रहा है कि इसमें क्या क्या है. ये इसका सुपीरियर सर्फेस है, ये इसका पीछे वाला एरिया जो है वो बेस है, जो कि इन कॉन्टैक्ट विद द विजाइना एंड द सुपरा विजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स में रहता है. ये इसका पोस्टीरियर वॉल है, जहाँ पर आके यूरेटर खुल रहे हैं, या दिख रहा है आपको यूरेटर पीछे वॉल में आके यहाँ ट्राइगोन पे खुलेंगे. दिस इज द ट्राइगोन, दिस इज द ट्राइंगुलर ट्राइगोन, और जहाँ ये नीचे फिनिश होता है, दैट इज द इंटरनल इंटरनल दैट इज यूरेथ्रल स्फिंक्टर. इसका एपेक्स होता है, एंड दिस इज द नेक ऑफ द ब्लैडर. ठीक है? सो दीज आर द सर्फेसिस एंड दीज आर द डिफरेंट लैंडमार्क्स. और एंगल बिटवीन द यूरेथ्रा एंड द ब्लैडर हमने कल पढ़ा था, दैट इज अराउंड 100 डिग्रीज. ठीक है? दैट मेंटेन्स द कॉन्टिनेंस, क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर यहाँ पर भी उतना ही होगा जितना कि यूरेथ्रा पे होगा. तो ये वाला जो प्रेशर है यूरेथ्रा पे भी उतना ही होगा जितना कि इस पे ब्लैडर पे होगा. तो ये प्रेशर हैज टू बी इक्वल सो दैट वी कैन मेंटेन द कॉन्टिनेंस. ठीक है? नेक्स्ट कम्स द यूरेटर. अब आपको क्या दिख रहा है? अब आपको दिख रही है वॉल्स ऑफ द ब्लैडर. ये भी हम कल पढ़ चुके हैं कि इसमें ट्रांजिशनल एपिथीलियम होता है, और जो मसल होती है डिट्रूसर होती है, वो हर डायरेक्शन में जाती है. इट इज ओनली एट द लेवल ऑफ द नेक, जहाँ पर स्फिंक्टर शुरू होता है, तभी सर्कुलर हो जाती है. ठीक है? अदरवाइज डिट्रूसर मसल के डायरेक्शन सारे इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं. ऑलराइट, तो ये यूरेट्रल ओपनिंग्स आपको दिख रही है ट्राइगोन पे. ये पूरा ट्राइंगल, इन्वर्टेड ट्राइंगल जो है, दैट इज ट्राइगोन. ओके,
एंड द इंटरनल यूरेथ्रा स्फिंक्टर, ये आ गया है इंटरनल यूरेथ्रा स्फिंक्टर, और ये आता है बाहर में एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्फिंक्टर जो कि वेस्टिबुल में ओपन होता है। ठीक है, लेमिना प्रोप्रिया देख लिया आपने, ट्रांजिशनल एपिथीलियम एंड सब म्यूकोसा। वॉट इज दिस? दिस इज हाउ द यूरेथ्रा यूरेथल मोबिलिटी दिखाई गई है। इट ओपन्स इन टू द वेस्टिब्यूल यूरेथ्रा, सिक्स ओपनिंग्स ऑफ द वेस्टिब्यूल जो हमने कल पढ़ा था। जिसने कल मेरी क्लास सुनी थी उसको समझ में आएगा कि कल की क्लास में मैंने बताया था आलमंड शेप्ड ओपनिंग, नॉट ओपनिंग सॉरी, आलमंड शेप्ड एरिया विच इज, लेट मी गेट माई पेन अगेन। ओके, सो दिस इज द आलमंड शेप्ड एरिया जो कि ऊपर क्लाइटोरिस है, साइड में लेबिया माइनोरा है और पीछे पोस्टीरियर फॉशेट है जहाँ लेबिया माइनोरा एंड करते हैं। दिस एंटायर डायमंड शेप्ड एरिया इज द वेस्टिब्यूल जिसके अंदर सिक्स ओपनिंग्स होती हैं। एक यूरेथ्रा हो गया, एक यूरेथ्रा के बगल में पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड हो गए, एक विजैना हो गया, और यहाँ पर फोसा नेविकुलारिस में दो बार्थोलिन डक्ट्स खुलती हैं। ठीक है, तो यूरेथ्रा ओपन्स इन टू द वेस्टिब्यूल अराउंड 2.5 सेंटीमीटर बिलो द क्लाइटोरिस। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व इज द एंगल बिटवीन द ब्लैडर बेस एंड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूरेथ्रा। दिस कैन समटाइम्स कॉज रिटेंशन इन द मेल फीटसेस। ठीक है, मेल जो मेल चाइल्ड होता है उसमें कई बार रिटेंशन होता है। नाउ व्हाट आर दीज? दीज आर द बार्थोलिन ग्लैंड जो हमने पढ़े थे। नाउ न्यूमरस ट्यूबुलर पैरा यूरेथ्रल स्कीन ग्लैंड जो कि होमोलोगस होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से मेल में, दे ओपन इन टू द ल्यूमन थ्रू डक्ट्स। और ये डक्ट्स, ये जो दिख रही है आपको पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, दिस इज द पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, इनकी डक्ट्स या तो डायरेक्टली वेस्टिब्यूल में खुलती हैं या फिर कई बार यूरेथ्रल मिएटस के अंदर खुलती हैं। ओके, सो दैट इज अ टिपिकल ऑर्डर दैट दे प्रोवाइड। ग्लैंड जब इन्फेक्टेड होते हैं तो पैरा यूरेथ्रल एब्सेसिस और सिस्ट बनती हैं। ये पूरा का पूरा लेक्चर कल मैं डिस्कस कर चुकी बच्चों। ठीक है, फिर आते हैं पेल्विक यूरेटर पे, ये आज हम डिस्कस करेंगे इसकी लेंथ क्या होती है, एब्डोमिनल यूरेटर और पेल्विक यूरेटर में क्या फर्क होता है लेंथ में, ये हम आज पढ़ेंगे। कहाँ ये कैसे ज्वाइन करता है, कहाँ से बायफर्केशन के आगे आता है, कहाँ किसको सबसे ज़्यादा गायनेकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की वजह से इंजरी हो सकती है, कहाँ आके इसका कंप्रेशन हो सकता है, व्हाट आर द एरियाज जहाँ पर ग्रेविड यूट्रस प्रेग्नेंट यूट्रस इसको कंप्रेस कर सकता है, ये सब हम आज पढ़ेंगे। इसका पूरा कोर्स पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देख सकते हैं आप, ये यूरेटर जा रहा है दोनों साइड से, कैसे ये इसको कॉमन आइलियक और इसका जो जंक्शन है, इट एंटर्स द पेल्विस इन फ्रंट ऑफ द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन आइलियक आर्टरी। तो पेल्विस में एंटर करता है उसी समय कॉमन आइलियक आर्टरी जो है बाइफर्केट करती है इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल आइलियक आर्टरीज। तो यहाँ पर ये एंटर करता है और इसको हम पढ़ेंगे कि कैसे इसके इंजरी के चांसेस होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सर्विक्स जो है लेफ्ट साइड की तरफ रहते हैं तो लेफ्ट यूरेटर ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके डैमेज होने के। इसी तरह से हम ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे कि यूरेटर की ब्लड सप्लाई बहुत अलग होती है, इसकी अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, कोई अपनी आर्टरी नहीं होती, हर आर्टरी जो इसके आसपास घूम रही है, चाहे यूरेटर के यूट्रस की आर्टरी हो चाहे ओवरी की आर्टरी हो, हर आर्टरी इसको कहीं ना कहीं एक छोटी सी ब्रांच देती है। और इस तरह से ये आप देख सकते हैं, इस तरह से इसका पूरा एनास्टोमोसिस चलता है, इस तरह से पूरा 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 इसके ऊपर एक लॉन्जिट्यूडनल एनास्टोमोसिस चलता है। तो इतने सारे ब्लड वेसल्स इसको सप्लाई करते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू रेक्टम, आज हम पढ़ने वाले रेक्टम की एनाटॉमी। इसके थर्ड पीस ऑफ सेक्रम से स्टार्ट होता है, एनल कनाल में एंड होता है। इसके दो लेफ्ट में कर्व होते हैं, राइट में सिंगल कर्व होता है, ये सब आपको आना चाहिए। बेसिक एनाटॉमी ऑफ रेक्टम, एनल कनाल एंड ऑफकोर्स एनल कनाल के अंदर का म्यूकोजा एंड ऑफकोर्स द थिंग्स दैट सेपरेट द वजाइना एंड द रेक्टम, ये बहुत जरूरी है। ओके और फिर आते हैं एनल कनाल में। एनल कनाल इज अ वेरी शॉर्ट 2.5 सेंटीमीटर्स एंडिंग ऑफ द रेक्टम जिसमें दो तरह की लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक व्हाइट लाइन और एक पेक्टिनेट लाइन, दोनों अलग अलग है। व्हाइट लाइन एनोक्यूटेनियस जंक्शन है, यू कैन से म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन, जहाँ से एनस पकरिंग शुरू हो जाती है, जहाँ से वो म्यूकोजल कलर चेंज हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है। और पेक्टिनेट लाइन इज द लाइन जहाँ पर सारे वॉल्व्स बनते हैं, सारे वॉल्स एंड होते हैं, तो दैट इज एन इमेजिनरी लाइन, वहीं से पाइल्स बनने शुरू होते हैं। तो ये सब आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन, यस कबीर, सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज द यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन मीन्स यूरेटर जहाँ पेल्विस पे पेल्विक ब्रिम में घुस रहा है इन फ्रंट ऑफ द कॉमन आइलेक बाइफर्केशन। ओके, दैट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट वेयर यू कैन इंजर इट। ठीक है, हिस्टरेक्टोमी के समय द फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइट वेयर यू कैन डू द इंजरी, वेयर यू कैन क्लैम्प द यूरेटर इज एट द लैटरल फोर्निक्स, जब आप सर्विक्स को काटने वाले होते हैं। ठीक है, सर्विक्स के लेवल पे वहाँ क्लैम्प लगा, तो दैट इज द मोस्ट कॉमन साइट। सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट इज एट द पेल्विक ब्रिम। ओके, सो ये सब हम आज पढ़ेंगे, शाम को 5:30 बजे आप लोग आइए, आधे घंटे का रेस्ट करिए, चाय वे पीजिए और आ जाइए मेरे पास। ठीक है, दीज आर द टू लाइन्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, द व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन दैट इज एनोक्यूटेनियस लाइन विच इज इंटरस्फिंक्टरिक ग्रूव आल्सो नोन एज इंटरस्फिंक्टरिक ग्रूव। इंटरस्फिंक्टरिक क्यों? क्योंकि तीन तरह के स्फिंक्टर होते हैं, सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस एंड डीप, तो उनके बीच का जो ग्रूव होता है दैट इज मार्क्ड बाय द व्हाइट हिल्टन लाइन। और पेक्टिनेट लाइन इज नथिंग बट एन इमेजिनरी लाइन जो कि आप यहाँ देख सकते हैं,
दिस इज द पेक्टिनेट लाइन. तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि जहाँ पर एनल वॉल्व सारे फॉर्म हो रहे हैं और यहीं से पाइल्स शुरू होते हैं, और इसके नीचे का जो एरिया है उसकी हिस्टोलॉजी भी अलग होती है और उसकी ब्लड सप्लाई भी अलग होती है. सो आंसर दिस क्वेश्चन. थ्री ऑफ यू आर वॉचिंग मी. एक्चुअली हाउ मेनी ऑफ यू आर वॉचिंग मी? अराउंड 9 ऑफ यू आर वॉचिंग मी, बट राइट नाउ दो तीन लोग हैं जो एक्टिवली बात कर रहे हैं. आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एक्स मार्क्ड ऑन द फिगर. सो वॉट इज दिस स्ट्रक्चर बच्चों? ये स्ट्रक्चर क्या है? टेल मी, इज इट ए बी सी ओ डी? कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. डॉक्टर एक्समो एंड कबीर एंड दिस वन मोर पर्सन जिनजैन, आई डोंट नो. ओके, यू वॉन्ट टू आंसर दिस? वी हैव थ्री एमसीक्यूज फॉर यू, जस्ट थ्री. ओके, सो वॉट आई कैन सी इज कि ये थोड़ा सा लैगिंग दिखा रहा है मेरे मोबाइल पे, बट स्टिल आई विल वेट फॉर द आंसर. सो शैल आई मार्क द आंसर फॉर यू कि आप मुझे आंसर बताएंगे? कम ऑन, एक आंसर तो दो यार, एक तो दो, एक तो दे दो आंसर. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. सी, नो दैट्स नॉट पोस्टीरियर कमिश्योर, दैट इज द फोसा नेविकुलरिस. ओके, लेट मी गेट माई पेन. इट इज द फोसा नेविकुलरिस. पोस्टीरियर कमिश्योर क्या होता है? पोस्टीरियर कमिश्योर होता है, यस इट इज ए कबीर, यस. ओके ओसामा, मैं आपको बता दूं, पोस्टीरियर कमिश्योर ये होता है, दिस इज पोस्टीरियर कमिश्योर, वेयर द लेबिया मेजोरा आर मीटिंग ईच अदर, दिस इज पोस्टीरियर कमिश्योर. ओके, दिस इज अ वेग वेग स्ट्रक्चर जो कि जहां पर लेबिया मेजोरा आके मिलते हैं. बट ये जो आप देख रहे हैं एक्स, इज बेसिकली द पोस्टीरियर फॉशेट और हाइमेन के बीच का स्पेस, यानी कि विजाइनल ओरिफिस और हाइमेन के बीच का जो स्पेस होता है, दैट इज फोसा नेविकुलरिस. ओके, दिस एंटायर एरिया, दिस एंटायर डायमंड शेप्ड एरिया. ओह, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग. लेट मी जस्ट Erase this. Wait, 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 wait. So what I was trying to tell you, where is my pen? Where is my pen? Ah, there you go. I need an eraser. So I can't erase it now. I don't know why. Well, this is basically the vestibule. This entire area is the vestibule. Okay, so this is the vestibule, not this one. So this is the vestibule, and the marked area is the fossa navicularis, jo ki main kal padha chuki. I've already taught this yesterday. Posterior commissure is okay. Who has written D? D vestibule TM? No, it is not vestibule TM. Vestibule is the entire diamond area. It is fossa navicularis, the area, the small area between the posterior fauchet and the vaginal introitus. Okay, jahan par Bartholin gland ki ducts khulti hai. Coming to the next diagram, identify the type of hymen given in this. Okay, it is already written. So, in this photograph, it's already written. The answer is there. So, it's a cribriform because you can see so many, so many, so many holes. Okay, so if it has been just a simple, simple, single hole, then it had been a like annular hymen. Or imperforate, वो होता है जिसमें बिल्कुल कुछ नहीं होता. Septate होता है. Septate is like this. Like there are two openings, in between there is a gap. So that's a septate hymen. ठीक है. Next, coming to true about anatomy of vagina. Okay, what is true about this? Let us have this answer. Covered by columnar epithelium, covered by non-keratinous stratified squamous epithelium. Vaginal secretion is from transudation of the endometrial epithelium, supplied by cervicovaginal branch of the uterine artery. Anterior wall is longer than the posterior wall. That's a different question here. That's a different actually. Option here. Okay, so that's supplied by cervicovaginal branch of the uterine artery. Anterior wall is longer than the posterior wall. So there are three answers in this which are right. That is a hint. Tell me which three are right. Tell me. Guys, three answers. I need three answers. Question number 22, true about the anatomy of vagina. There are three good answers, three right answers in this. And this is a previous year's question. Come on. Osama, Kabir, MBBS, Dr. Raxmo. You can read this and you can answer this, right? There are three good answers. B is right. Okay. Let me click it. Yes, that is the right one. I need two more. Non-keratinized. Vagina is non-keratinized. Okay. What else? What else? Tell me. A is definitely wrong because it is not columnar.
Now, out of these three, C, D, and E, which two are right? Nobody else is attempting? Come on, attempt it. Okay, let me tell you. Vaginal secretion is from the transudation of endometrial epithelium. That is true. Vagina में ऐसा कोई gland नहीं होता जो इसको secretions बना के दे. The main discharge comes from the cervix and the second thing is the transudation of the endometrial epithelium. वहां से transudate आता है और vagina को moist रखता है. बाकी Bartholin gland के भी secretions आते हैं but वो सिर्फ sexual activity के समय होते हैं. ठीक है? These are three types of secretions that happen in the vagina, mainly cervical. And the third one, which is right, is supplied by cervicovaginal branch of the uterine artery. Because vaginal artery directly internal iliac artery से भी निकलती है और कभी-कभी uterine artery से भी निकलती है. Last वाला option गलत है. Anterior wall longer नहीं होता, posterior wall longer होता है. Identify the structure X shown in the figure. What is this structure? This structure. Okay. What can you see here? कॉर्नू पे क्या-क्या attached होता है? कॉर्नू पे क्या क्या होता है? तीन चीजें होती हैं, उसमें से ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ठीक है, ये बताइए मुझे. वेरी वेरी सिंपल, दे हैव शोन यू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द यूट्रस. कम ऑन चिल्ड्रन, आर यू स्लीपिंग? कम ऑन, सच ए सिंपल सिंपल क्वेश्चन. कबीर, वेर आर यू? डॉक्टर रैक्समो, ओसामा, ओके. सो नोबडी इज आंसरिंग दिस, बट आई थिंक देर इज अ लैग हियर. सो आई कैन सी दैट आई हैव जस्ट स्टार्टेड आस्किंग द क्वेश्चन. सो आई कैन प्रोबेबली वेट फॉर अनदर 2 मिनट्स एंड देन विल क्लोज बिकॉज दिस इज द लास्ट स्लाइड एंड देन चिल्ड्रन यू हैव टू कम एट 5:30 ऑन माई स्पेशल क्लास. ओके, so let me answer it for you. Let me answer it for you. This is the round ligament because this is the fallopian tube here and this is the ovarian ligament. So these three structures are anterior to posterior, round ligament, fallopian tube, and then comes the ovarian ligament. So that's it, guys. I want you to come and join me on the special class. All the best. Bye bye. Take care. Do well. Study well. Sleep well.